Hello children, how are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. Children, today we are going to solve your test paper. जो आपका last test हुआ है reasoning का, उसका question paper आज हम solve करेंगे और एक करेंगे activity. Properties of geometrical shapes. So children, आपको क्या करना है? जो geometrical shapes हैं वो draw करनी है, उसकी properties लिखनी है और उन्हें एक video में define करना है. और आपको ये वीडियो 2 डेज के अंदर अपने क्लास इंचार्जेस को सेंड करनी है. ओके ये चिल्ड्रन जो आपकी एक्टिविटी है, आपने उसमें क्या करना है? शेप्स को ड्रॉ करना है और उसके प्रॉपर्टीज लिखनी है. जैसे कि आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो आप रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज लिखेंगे, लाइक इन रेक्टेंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इट हैज़ 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स. ओके लाइक स्क्वायर है तो आप लिखेंगे इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड स्क्वायर हैज़ आल्सो 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स. लाइक इन सर्कल देर इज नो कॉर्नर. ओके इन ओवल देर इज आल्सो नो कॉर्नर. इन ट्रायंगल देर आर 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स. स्फीयर There is no corner in this sphere and it has circular faces. Okay, and this is cone. Cone has triangular and circular faces. Cylinder. Cylinder has rectangular and circular faces. This is cube. Cube have 6 square faces, 12 sides and 8 corners. Cuboid. In cuboid, there are 6 rectangular faces, 12 sides and 8 corners. आपको क्या करना है? इन शेप्स को ड्रॉ करना है, उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है और आपको इन शेप्स को वीडियो में डिफाइन करना है. आपको शेप्स की प्रॉपर्टीज को वीडियो में डिफाइन करना है और अपने क्लास इंचार्ज को सेंड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन था टेस्ट का. गरिमा रैंक्ड 7th इन द क्लास और 49 स्टूडेंट्स फ्रॉम द टॉप. देखिए क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 49 स्टूडेंट्स. और गरिमा की रैंक टॉप से कितनी है? 7. ओके व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास. अगर हम बॉटम से देखें तो उसकी रैंक क्या होगी? ओके सो चिल्ड्रन देखिए उसकी रैंक है 7th और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 49. ठीक है सो जो उसके नीचे स्टूडेंट्स होंगे तो वो कैसे निकलेंगे? अगर हम 49 माइनस 7 कर देंगे तो उसके नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं वो निकल जाएंगे, तो आंसर आएगा 42. ठीक है तो गरिमा के नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं? 42. अगर हम बॉटम से काउंट करेंगे तो उसके नीचे हैं 42 और उसकी खुद की रैंक क्या हो जाएगी? 43 हो जाएगी. देखिए उसके नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं? 42. अगर हम बॉटम से काउंट करेंगे तो उसकी रैंक होगी 43. सो इसका आंसर है 43rd रैंक. ओके चिल्ड्रन अमंग ए बी सी एंड डी. ए बी सी और डी में से क्या है? बी इज हैवियर देन ए एंड सी. जो बी है वो हैवियर है ए और सी से, तो हमने यहाँ बी को ऊपर लिख दिया और ए और सी को नीचे लिख दिया. फिर नेक्स्ट लाइन है सी इज लाइटर देन ए. सी क्या है? ए से भी लाइटर है, तो सी सबसे नीचे चला जाएगा और ए उसके ऊपर आ जाएगा. ओके नेक्स्ट लाइन इज डी इज हैवियर देन बी. जो डी है वो बी से भी हैवियर है, तो वो हमने इसके ऊपर लिख दिया है. हु इज द हैवीएस्ट? तो हैवीएस्ट क्या है? डी. ओके क्वेश्चन था आपका विच वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड. हमें एक लेटर वर्ड दिया हुआ है डिस्टर्बेंस. सो वो कौन सा वर्ड है जो इन लेटर्स की हेल्प से नहीं बन सकता है? देखिए फर्स्ट है बैंड. बैंड बन सकता है बी ए एन डी बन सकता है. नेक्स्ट इज टर्बन. टी यू आर बी ए एन टर्बन भी बन सकता है. नेक्स्ट इज बैंक्स. बी ए एन के नहीं है इसमें, सो ये नहीं बन सकता है बैंक्स. तो बैंक्स क्या है? हमारा आंसर है. नेक्स्ट इज इंटेलिजेंट. ओके सो इससे कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है चिल्ड्रन? इंटेल आई एन टी ई एल ये बन सकता है. नेक्स्ट इज जेंटल. जी ई एन टी एल ई जेंटल भी बन सकता है. नेक्स्ट इज हिल्ट. देखिए हिल्ट बन सकता है? नो
क्योंकि इसमें क्या है, एच नहीं है, सो हिल्ट नहीं बन सकता है और हिल्ट ही हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स. आपको यहाँ पे लेटर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ओके. सो इसके हेल्प से कौन से वर्ड बन सकते हैं? पेन बन सकता है? नो, क्योंकि इसमें पी नहीं है. शॉर्ट, इसमें ओ नहीं है तो शॉर्ट नहीं बन सकता है. नेक्स्ट है टॉल, टी ए, इसमें सिंगल एल है, टॉल में हमें चाहिए डबल एल, तो टॉल भी नहीं बन सकता है. नेक्स्ट है लीस्ट, एल ई ए एस टी, लीस्ट बन सकता है, सो लीस्ट इज आर आंसर. देखिए इस क्वेश्चन में था कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, इस क्वेश्चन में है कौन सा वर्ड बन सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन था टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी से इकोलॉजी बन सकता है, ई सी ओ एल ओ जी वाई, यस बन सकता है, और यही क्या है हमारा आंसर है. क्वेश्चन था चिल्ड्रन, इफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर इंटरचेंज देयर पोजिशन एंड सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ लेटर्स एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर एंड सो ऑन, देन विच लेटर विल बी 17th फ्रॉम द राइट एंड. देखिए चिल्ड्रन, हमें यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज दी हुई थी, ओके. हमने क्या किया, उसके बाद लेटर्स को इंटरचेंज करना शुरू कर दिया, जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर दिया, देन थर्ड और फोर्थ को, देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ को, देन सेवन्थ एंड एट्थ को, नाइन्थ और टेंथ को, इलेवेंथ और ट्वेल्थ को, थर्टीन और फोर्टीन को, फिफ्टीन और सिक्सटीन को, सेवनटीन और एटीन को, एंड सो ऑन. सो हमने ऐसे लेटर्स को इंटरचेंज कर दिया. उसके बाद हमें क्वेश्चन का आंसर देना था कि ये चेंज करने के बाद राइट एंड से 17th लेटर कौन सा होगा. सो दिस इज़ द राइट एंड, यहाँ से 17th क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15, 16, 17. तो देखिए चिल्ड्रन, 17th पर होगा आई, ओके, आई इज़ आर आंसर. नेक्स्ट इज विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड. कौन सा लेटर होगा जो लेफ्ट एंड से 13th के राइट हैंड राइट साइड पे 7th होगा. सो लेफ्ट एंड क्या है चिल्ड्रन, ये यहाँ से हम देखेंगे 13th लेटर, ओके. तो अब हम इससे देखेंगे, अब हम इंटरचेंज वाली नहीं देखेंगे, अब हम ये देखेंगे 13th पे लेफ्ट पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन. 13th पे कौन सा लेटर होता है चिल्ड्रन, एम. और इसके हमें देखना है राइट में 7th लेटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो आंसर है हमारा टी, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन था चिल्ड्रन हमारा, अरेंज द गिवन वर्ड्स एज दे आर अरेंज इन डिक्शनरी. हमें लेटर्स को, वर्ड्स को अरेंज करना है जैसे कि डिक्शनरी में अरेंज होते हैं. सो चिल्ड्रन, सबसे पहले डिक्शनरी में ए आता है, ठीक है, तो हम ए वाले वर्ड्स देखेंगे. ए वाले वर्ड्स कौन से हैं, एक्सेप्ट एंड एप्पल. तो ये जो फर्स्ट लेटर है ये दोनों सेम है, तो हम देखेंगे सेकेंड लेटर. सेकेंड लेटर है सी और पी. सो जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें पहले क्या आता है, सी आता है या पी, सी. तो हम सी वाला लेटर लेंगे. तो फर्स्ट आएगा वन, ओके, वन मीन्स एक्सेप्ट. देन आएगा एप्पल, उसके बाद देखिए बोर, एक्सपेक्ट एंड कैमल. तो देखिए बी वाला लेटर पहले आएगा, यस, बी वाला वर्ड पहले आएगा, तो आएगा थ्री. उसके बाद आएगा सी वाला, फिफ्थ, देन फोर्थ. तो आंसर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ, ओके. चिल्ड्रन, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर एंड देन सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपको उन्हें एप्रोप्रिएटली सिलेक्ट करना है, एक लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है. जैसे कि आपको दिया हुआ है कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, इलनेस, रिकवरी, डॉक्टर. सो चिल्ड्रन, सबसे पहले आप क्या करते हो, अगर बीमार पड़ते हो तो सबसे पहले क्या होती है आपको, इलनेस होती है, ठीक है. उसके बाद आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं. उसके बाद कंसल्ट करते हैं आप डॉक्टर से, बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, ओके. उसके बाद डॉक्टर आपको क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है. और उसके बाद आपकी क्या होती है, ट्रीटमेंट के आफ्टरवर्ड्स आपकी रिकवरी होती है. सो आंसर है थर्ड फिफ्थ
first, second, fourth. Okay.